पाकिस्तान का आठवां बड़ा शहर, उसमें आला तालीमी इदारे का कयाम अमल में होने जा रहा है। उसके लिए मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले माहिदे के नतीजे में मैं तमाम दोनों पार्टी की तमाम क़यादतों को खराज तहसीन पेश करता हूं। और आज जिसने आज बिल पेश किया पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर एडवाइजर जहीरुद्दीन बाबर साहब अवान साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था द हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट साइंसेज बिल 2020, और ये डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। मैं ये बताना चाहता हूं डिप्टी स्पीकर साहब कि जिन लोगों ने आज तक हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कयाम को रोका, शहर के आला तालीम याफ्ता लोगों के लिए आला तालीम के दरवाजे बंद रखे, उनके नजर में तालीम की अहमियत कम नहीं थी, उनकी सोच मुख्तलिफ थी। आज मुतसबाना और नस्ल प्रस्ताना सोच को दफन करने का दिन है, जो ये तो चाहते थे कि तालीम पढ़े हो, आम हो, लेकिन सिर्फ उनका बच्चा पढ़े, कोई और बच्चा नहीं पढ़े, उनका मुखालिफ का बच्चा नहीं पढ़े। आज उस सोच को हमने दफन कर दिया कि सिंध के वजीर तालीम ने यह कहा था कि सिंध का वजीर तालीम ये कह रहा था कि अगर हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनी तो उसकी लाश पे बनेगी। उस वजीर तालीम ने ये बात कही, उसके पार्टी के अराकीन डेस्क बजाते रहे। आज उस सोच को हमने दफन कर दिया और हैदराबाद में डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्रे अमने आलम, मुझे है फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम। मैं तुलू हो रहा हूं, तू गुरूब होने वाला। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये वो चीज है कि जिसका हमने बड़ा इंतजार किया। आज जिन लोगों ने 18वीं तरमीम की हिमायत करते हैं, वो ये देख लें जरा कि 18वीं तरमीम की वजह से वफाक सूबे में किसी शहर में यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता। इसकी वजह से हमें डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बनाना पड़ रहा है। जो लोग सूबे की हिमायत कर रहे थे, वो इस बात का जवाब दें। मुझे नहीं लग रहा कि या तो ये उनकी गोद में बैठे हैं या उनको गोद ले लिया है। हमारे पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर, पार्टी के दफ्तरों पे, मरकजी ऑफिस पे ये लोग आते रहे, माथा टेकते रहे, वादा करते रहे, कभी वादा पूरा नहीं किया। मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा इस इत्तेहाद को जो एमकेएम और पीटीआई के दरमियान है कि जिसकी वजह से आज हैदराबाद में एक आला तालीमी इदारा कायम होना जा रहा है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ दिया मुझे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारे ही मांग रहे हैं सर, मैं तकलीफ में हूं, मैं अभी आपको बता नहीं सकता, वरना मैं आपको दे देता सबको स्पीच। दो जी